हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ, एक न्यूज़ आ रही है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से। इंडिया और चाइना का आपको सबको पता होगा विवाद चल रहा है, जिसके चक्कर में 59 ऐप चाइना की, जो पहले भी बैन कर चुका है इंडियन गवर्नमेंट ने, अब एक और न्यूज़ आ रही है, जिन्होंने 47 ऐप जो कि चाइनीज़ ऐप थी, जिनको पूरी तरह से बैन कर दिया है इंडिया में, जिसकी लिस्ट उन्होंने अभी ओपन नहीं करी है, जल्दी उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी। पर उन्होंने ये कहा है, ये जो लिस्ट 47 जो ऐप्स हैं, ये बिल्कुल सिमिलर हैं पहले की 59 ऐप्स की करा, यानी कि उससे बिल्कुल मिलते जुलते जो भी ऐप्स थे चाइना के, उसको इन्होंने बैन कर दिया गया है। 47 टोटल ऐप्स, और जिनको ओपन नहीं कराए, ओपन हो जाएंगे लिस्टेड। पर इसमें रीज़न उन्होंने यही दिया है कि इसमें डेटा लीक हो रहा था, इस चक्कर में इस ऐप्स को लीक किया गया, इस ऐप्स को बंद किया गया है या बैन कर दिया गया है। इसकी लिस्ट उन्होंने अभी जारी नहीं करी है, और ये बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। और उसमें एक शायद सुनने में आ रहा है कि शायद पबजी भी बैन हो सकता है उस लिस्ट में, 47 की लिस्ट में शायद पबजी भी हो सकता है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये होने वाला है। तो दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें, जैसे ही कोई लिस्ट आएगी मैं फर्स्टली उसमें डाल दूंगा, जिससे आपको इजीली पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बैन हुई हैं चाइना की, और कौन कौन सी ऐप्स जो कि बैन हुई हैं 47 ऐप। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कुछ न्यूज़ चैनल, न्यूज़ वेबसाइट्स के मैंने स्क्रीनशॉट अटैच करें, स्क्रीनशॉट लगाएं, ताकि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि ये न्यूज़ कंफर्म है, जो कि 47 ऐप्स चाइना की जो कि बैंड हो चुकी है इंडिया में अगेन 59 ऐप्स के बाद, बट उसका स्क्रीनशॉट अभी तक आया नहीं है, पूरी लिस्ट आई नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।